आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बिहार में कल नगर निकाय चुनाव, पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद निर्वाचन आयोग का निर्णय। कर्ण की धरती नाथनगर में 176वीं बार होगा रावण दहन, सीटीएस ग्राउंड में की जाएगी भव आतिशबाजी। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल की क्षमता 100 से बढ़कर 500 बेड की होगी। दुर्गा पूजा मेले में जलेबी समोसा खाने के बाद 2 की मौत, 26 लोग बीमार, बिहार के अरवल का मामला। पटना गांधी मैदान में 70 फीट के रावण का पुतला दहन, सीएम नीतीश कुमार उतारेंगे श्रीराम की आरती। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की खबरों का। खबर कैमूर से है, जहां अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह कैमूर के दुर्गावती प्रखंड के करौली गांव में सम्मान समारोह में पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए मीडिया और सरकार दोनों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मीडिया हवाले से नहीं, सूत्रों के खबरों पर चलती है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, जिसको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, वह लोग सूत्रों से खबर क्यों चलवा रहे हैं। मैंने इस्तीफा दिया है या फिर मुझसे इस्तीफा लिया गया है, इससे क्या फर्क पड़ता है, यह कोई विमर्श का विषय नहीं है। नवरात्र के मौके पर बिहार शरीफ के डाक बंगला मोड पर नालंदा नाट सघा संघ के कलाकारों द्वारा शहरी क्षेत्रों में विलुप्त तो हो रही नाट परंपरा को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से 2 दिवसीय नाट सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नाट का उद्घाटन समाज सेवी अरविंद कुमार सिन्हा द्वारा किया गया। इस मौके पर उन्होंने नालंदा नाट संघ के सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि इस विलुप्त हो रही नाट परंपरा को पिछले 66 साल से संघ के कलाकार पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं संघ के सचिव कुमार डिस्को ने बताया कि पिछले 2 साल से कोरोना काल के कारण सभी तरह के आयोजन पर रोक लगी हुई थी। इस बार स्थिति सामान्य होने पर माता का आशीर्वाद ले रहे हैं और नाटक को देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी है। कार्यक्रम करने से वातावरण जो होता है स्वस्थ चलता है और उसको मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने मेरे को निमंत्रण किया इस कार्यक्रम में, उनको कोटि-कोटि नमन करता हूँ। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जो भी ये कार्यक्रम में आ रहे हैं, जो भी धर्म का लोग, वो कोई भी गलत काम अफवाह ना उड़ाएं कि जिससे भारतवासी को, नालंदावासी को, बिहार वासियों को तकलीफ हो, दूसरे को, जो भी धर्म के लोग हैं इसे अच्छे से निभाएं और एकदम सच स्वच्छ जो भारत होता है उस तरह से निभाने दें। और नवरात्रि का जो आखिरी दिन है, इसे संपूर्ण तरह से मनाइए और माता को कल विदाई दीजिए, यही मेरी शुभकामना है। और सबसे बड़ा चीज़ मैं नालंदावासी को देना चाहता हूँ कि जो प्रशासन को भी यहाँ के जिस तरह से मुस्तैद है कि शहर के पूरे चौक जितने भी है, जो 4 व्हीलर गाड़ी है, 3 व्हीलर जो रोक दिए हैं, वो सबसे बड़ा सराहनीय का काम किया, मैं उनको भी नमन। भागलपुर सबौर प्रखंड के चंदेरी का रहने वाला 18 साल का इंटर का छात्र संजीव कुमार अपने कुछ दोस्तों के साथ बाबूपुर घाट गंगा स्नान करने गया था। इसी दौरान वो गंगा के तेज धार आने से वह डूब गया, जिसकी सूचना मिलते ही उसके परिवार वाले बाबूपुर घाट पहुंचे और SDRF की टीम को सूचना दी गई। SDRF और ग्रामीण गोताखोर उसे ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं परिवार वालों में मातम का माहौल है। भोजपुर SP के निर्देश पर चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान में भोजपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। भोजपुर पुलिस को मिली गुप्त सूचना पर शाहपुर थाना की पुलिस ने कुंडेश्वर पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास से वाहन चेकिंग लगाकर काले रंग के स्कॉर्पियो से 200 ग्राम हीरोइन एवं 9900 रुपये नकद के साथ नगर थाना क्षेत्र के गौसगंज निवासी मिथिलेश यादव व मुफसिल थाना क्षेत्र के मकदूमपुर गांव निवासी रवि रंजन कुमार को गिरफ्तार किया है।
लखीसराय में आरपीएफ इंस्पेक्टर निधि दीक्षित ने अपने जवानों संग मननपुर पहुंचकर मेले का जायजा लिया। पूजा समिति के लोगों ने रेलवे स्टेशन में प्रकाश को असुविधा को लेकर चर्चा की। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया कि इसकी जानकारी हमें मिली है, जल्द ही इसका निराकरण किया जाएगा। साथ ही आरपीएफ इंस्पेक्टर ने मेले को लेकर सभी निर्देशों को भी बताया है। साथ ही बताया कि हम नियमों से बंधे हैं और उसके अनुरूप ही कार्यों को आगे लेकर चल रहे हैं। मेले की जो व्यवस्था की गई है बहुत अच्छी तरह से की गई है। सभी जगह जितने भी पोस्ट हैं सब जगह पोस्ट का भी डिप्लॉयमेंट किया गया। बाजार का भी हम लोग फोर्स रखे हैं कि कहीं भीड़ भाड़ नहीं हो। उसके अलावा है कि हम लोग देख रहे हैं कि पूरे मेले को सीसीटीवी कैमरे के अंदर तो हम लोग कैद करके रखे हैं। कहीं अगर कोई भी अगर उठके कोई किसी तरह का कोई अगर परेशानी करने की कोशिश करेगा तो वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर आ जाएंगे और उनको कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नालंदा में दुर्गा पूजा पर नालंदा पुलिस के अलर्ट रहने के दावों की पोल खुली है। थाने से 300 मीटर की दूरी पर ही बदमाशों ने देर रात लूट के असफल प्रयास के बाद एक बुजुर्ग को गोली मार दी। मामला बिहार शरीफ अंतर्गत लहेरी थाना क्षेत्र स्थित काटा पर की है, जहां बाइक सवार कुछ बदमाशों ने आकर ट्रांसपोर्ट के मुख्य गेट का ताला काट दिया और अंदर घुसकर लूटपाट का प्रयास करने लगे। जैसे ही खटपट की आवाज हुई तो बुजुर्ग गार्ड की नींद खुल गई और चोर कहकर शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद बदमाशों ने गोली चला दी और मौके से फरार हो गए। इसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग को इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इस मामले में थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। नालंदा में करंट लगने से एक अधेड़ की मौत हो गई। मामला सिलाव प्रखंड अंतर्गत नालंदा थाना क्षेत्र के सारी लचक मोड़ का है। घटना को लेकर मृतक के परिजन ने बताया कि परविंद कुमार मुर्गा दुकान चलाता है। घर से अपने दुकान को खोलने के लिए गए हुए थे। दुकान में लगे मीटर के जरिए करंट स्पार्क हो रहा था, जिसके संपर्क में अधेड़ आ गए, जिससे झुलसकर उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने इसकी सूचना गांव वालों को दी और गांव वालों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं नालंदा थाना अध्यक्ष ने बताया कि आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऊपर जो इनका मीटर में जो वायर आता है 440 से वो लटक रहा था, उसमें एक हवा चलने से कुछ स्पार्क था और ये जैसी दुकान खोलने के लिए जा रहे थे उस तार में संपर्क में आ गए और इनका करंट लग गया। इनका मौत घटने स्थल पर, वहाँ से लाके हॉस्पिटल लाए तो डेथ बताया, यानी घटने स्थल पर ही हो गया होगा। नालंदा जिला अंतर्गत बिहार शरीफ प्रखंड क्षेत्र में बालू लदे अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार एक युवक को रौंद दिया। इस घटना में वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। परिजन युवक को इलाज के लिए निजी क्लिनिक ले गए, जहां रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। तो वहीं मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने मुआवजे और कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को मुआवजे का आश्वासन दे समझा बुझा कर मामला शांत करवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। तो उधर परिजनों का आरोप है कि इलाज में डॉक्टर ने लापरवाही बरती, जिसके कारण युवक की मौत हो गई। मामले को लेकर दीपनगर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि ट्रैक्टर को जब्त करते हुए पुलिस पोस्टमार्टम करने की प्रक्रिया में जुट गई है। गाड़ी नंबर के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। 6:30 के करीब में तो वहाँ पे पुलिस गाड़ी टेम्पो लेके इनको और एक और लड़का था उनको साथ में लेके आया। तो इनसे फिर हम परवलपुर से, हमारा घर अस्तुपुर है, हम अस्तुपुर से आए तो इनको देखे सब नॉर्मल है। हम इनसे बातचीत किए, हम बोले राजीव, इनका नाम राजीव है, हम बोले कैसे क्या हुआ, कैसे मॉडल पर ट्रैक्टर वाला, तो ये फिर बोले कि एक्सरे करा लीजिए डॉक्टर साहब, बोले सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक्सरे कराना पड़ेगा या तो PMCH रेफर कर देते हैं, ऑपरेशन का सुविधा हड्डी का नहीं है, यहाँ ले जाओ नहीं तो हम
बोले सर कि हम प्राइवेट में दिखा लेंगे, यहाँ से हम मंगला स्थान जाते जाते मेरा पेशेंट डेथ कर गया, और सुई देने के दरमियान ही, सुई देने के बाद इसका थोड़ा सा आँख उख बंद होने लगा, तो हम डॉक्टर साहब से पूछे तो बोले हड्डी टूटने से केहनू का जो है सांस लेने में थोड़ा तकलीफ होता है। तो हम लोग को लगा भाई डॉक्टर भगवान होता है जो बोल रहा है, सच है, हमको क्या पता था कि यहाँ पे सारे अनपढ़ को बैठा के रखे हैं। नवादा जिले के रजौरी थाना क्षेत्र के अंधरबाड़ी गांव में मेला देखने जा रहे एक युवक पर गांव के ही एक युवक ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। सिरफिरे युवक ने पीड़ित युवक के पेट में चाकू मार दिया। हमले के बाद युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं आसपास रहे लोगों ने घायल अवस्था में युवक को आनन फानन में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ चिकित्सकों ने युवक का प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। स्वजन के अनुसार युवक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। तो वहीं पीड़ित के परिजन ने गांव में सटे शोभा बिघा गांव निवासी कुंदन यादव का पुत्र मुकेश यादव पर चाकू से जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। किस लिए को कारण था क्या ऐसे चाकू मार दिया। बिहार में शराब बंद है, पर कैमूर पहाड़ी पर आज भी शराब धड़ल्ले से चालू है, जिसका नतीजा हुआ कि एक युवक नेपाली सिंह ने शराब के नशे में अपनी मां को संपत्ति के लिए ताबड़तोड़ फायर कर मौत की नींद सुला दी। बता दें कि ये मामला अधौरा थाना के आथन गांव का है। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो वहीं मृतिका के शव को भभुआ सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कि जो है ना वो उसी का लड़का जो है ना, हाँ, कोई विवाद के चलते आपस में जो है ये लोग झगड़ा किए थे, हाँ, उसी में जो इसको कुछ माँ बोला उसको, हाँ, लड़का को, हाँ, तो उसी में उसको गोली मार दिया। आए हैं सर भभुआ है माँ के लाश लेकर। अच्छा, क्या कर रहे? मेरा भाई शराब पी के माँ के गोली मार दिया। अच्छा, तो अब क्या हुआ? आए वहाँ हिंसा बारी के बारे में लपड़ा हुआ था कि माँ क्या हिंसा चाहिए, हाँ, मातारी बोला कि तुमको शराब पीने ही पर मिलेगा, हाँ, निमदम नहीं मांग सकता है, हाँ, इतना ही माँ को मार दे तब भी मार दिया। नालंदा में शौच के लिए गई एक किशोरी की जान पानी की तेज धार में बह जाने के कारण चली गई। मामला बिहार शरीफ प्रखंड अंतर्गत प्रयागपुर बैरोटी गांव का है। मृतिका गांव निवासी लगन मांझी की 10 वर्षीय पुत्री जावो कुमारी है। घटना को लेकर परिजन ने बताया कि किशोरी शौच के बाद पानी छूने गई थी, तभी उसका पैर फिसल गया और वह नदी में जा गिरी और किशोरी नदी के तेज धार में बह गई और लापता हो गई। खोजने के प्रयास में किशोरी की माँ भी डूबने लगी, जिसे ग्रामीणों ने बचा लिया। करीब एक घंटे बाद नदी में किशोरी का लाश उपलाई, जिसको ग्रामीणों ने नदी से बाहर निकाला। शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। तो वहीं मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मामले को लेकर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि यूडी केस दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है और आपदा के तहत पीड़ित परिवार को मुआवजे की राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। नालंदा में अनियंत्रित होकर एक फॉर्चूनर गाड़ी पानी भरे खाई में जा गिरी, जिसके कारण पानी में दम घुटने से चालक की मौत हो गई। एक्सीडेंट की सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। तो वहीं मामले को लेकर थाना अध्यक्ष ने बताया कि क्रेन की मदद से गाड़ी को खाई से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तेज रफ्तार के कारण टर्निंग पर गाड़ी अनियंत्रित हो गई और खाई में जा गिरी, इसके कारण युवक की मौत हो गई। यूडी केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।